वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। तो आज इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है और सच में दिल्ली में तो इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है कि बस बाहर जाने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा, बट जाना तो पड़ेगा। तो मुझे बाहर जाना है तो मुझे मेकअप करना है, सिंपल सा मेकअप करने वाली हूँ इस वीडियो में मैं, क्योंकि ज़्यादा हैवी मेकअप मुझे सर्दियों में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ 5 प्रोडक्ट यूज़ करूँगी और उससे ही अपना एक ब्यूटीफुल सा मेकअप क्रिएट करूँगी। अगर आपको भी ये मेकअप अच्छा लग रहा है तो वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको मेकअप समझ आएगा, क्योंकि मैं बस 5 प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ इस वीडियो में एकदम, जो कि आपको अफोर्डेबल रेटों में आराम से मिल जाएंगे। ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव मेकअप प्रोडक्ट में यूज़ नहीं करूँगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बहुत सर्दी है सच में, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट मैं अपने फेस पर अप्लाई करूंगी मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर को मैं स्किप नहीं कर सकती क्योंकि विंटर है, विंटर में वैसे ही स्किन ड्राई हो जाती है, वैसे भी मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है तो थोड़ी ड्राई हो है यहाँ से। तो मैं पहले इसको लगा लूंगी, नीविया को मैं ये लगा रही हूँ अपने फेस पर, ऐसे कर करके थोड़ा डॉट डॉट करके मैं इसको अप्लाई कर लूँगी अच्छे से अपने पूरे फेस पर। बिल्कुल हल्के हाथ से इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ पूरे फेस पर एकदम अच्छे से, ताकि जितना भी ड्राई है ना मेरे फेस पर वो अच्छा हो जाए एकदम और मेकअप बेस अच्छा बन जाए, फ्लॉलेस मेकअप बन जाए मेरा। एंड सेकंड वन मैं अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ बीबी फाउंडेशन। इसको भी मैं थोड़ा सा ही लगाऊंगी क्योंकि ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं चाहिए, थोड़ा बेस मेकअप हल्का होना चाहिए लगे, ताकि आपने मेकअप ज़्यादा नहीं कर रखा हो, ठीक है। ऐसा ही करना है, डॉट डॉट करके इसको अप्लाई कर लूँगी फेस पर, ताकि फेस जो है ना बिल्कुल सेट दिखे, बस ज़्यादा दिखे नहीं कि मेकअप हो रहा है। एंड अब मैं एक ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लूँगी। और गाइज वैसे भी मैं शादी में तो जा नहीं रही थी, मैं थोड़ा हैवी मेकअप करूँ, ऐसे ही मैं सिंपल मेकअप कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहीं पर जाना है, मार्केट जाना है, तो इतनी सर्दी हो रही है, थोड़ा सा अच्छा बन के रहना चाहिए आपको हमेशा। तो ऐसे ही डैप डैप करके इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। गाइस फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है मैंने पूरे फेस पर, आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, आप देख सकते हो कितना अच्छा हो गया है मेरा फेस। और मैं कुछ नहीं लगाऊंगी, अब मैं अपने फेस पर लूँगी एक लिपस्टिक लूँगी, ये मैंने लिपस्टिक ली है और इसे ही मैं लिपस्टिक लगाऊंगी, आई शेडो भी इसी लगाऊंगी और ब्लश भी मैं इसे ही लगाने वाली हूँ। तो देख लो पहले मैं इसको पहले डॉट करूँगी अपनी आई के ऊपर, एक छोटा सा डॉट करना है एंड इसको फिर मैं अप्लाई कर, हो गया ब्लेंड लगने होने के बाद एकदम हल्का लगा है एकदम आई शेडो, एकदम अच्छा सा लुक लग रहा है, एकदम ज़्यादा भी नहीं लग रहा और थोड़ा कम भी नहीं लग रहा, एकदम अच्छा लग रहा है वाला है। और मैं यही लिपस्टिक को मैं अपने चिक्स पर भी अप्लाई करूँगी ऐसे ही डॉट करके, इसको भी मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी अभी अपने ब्लेंडर से। अपना ब्लेंडर लिया है मैंने, इसको भी ब्लेंड कर रही हूँ, हल्के हाथ से ही करूँगी, ब्लेंड करना भी बहुत ज़्यादा ईजी है, एकदम आराम से हो जा रही है। वैसे ये मैट लिपस्टिक है बट ये बहुत अच्छी है, तो आराम से हो जा रही है मैट और अच्छा लग रहा है। और एक प्रोडक्ट से ही मैंने तीन काम कर लिए। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ लिपस्टिक, इसको अभी मैं हल्का ही लगाऊंगी, ज़्यादा डार्क नहीं लगाने वाली। तो इसको मैंने ऐसे लगा लिया, अब अपने ऊपर वाले होंठ पर भी ऐसे ही अप्लाई कर लिया। अब इसको मैं एक ब्रश की हेल्प से ना थोड़ा सेट कर लूँगी, ठीक है, हो गई मेरी लिपस्टिक सेट हो गई। अब मैं अपने फेस पर अप्लाई करने वाली हूँ हाइलाइटर। हाइलाइटर सबसे अच्छा लगता है मुझे, तो हाइलाइटर लगाने वाली हूँ मैं। हाइलाइटर को मैं थोड़ा सा आईज़ के ऊपर भी लगा लूँगी थोड़ा शिमर शेड के लिए, तो ये वाला वाइट वाला ले रही हूँ मैं शेड एंड फिंगर से इसको मैं हल्का अप्लाई कर लूँगी एकदम, बस इतना और ज़्यादा नहीं करना। और इधर भी ऐसे ही फिंगर से लिया है, इसको भी ऐसे ही कर लूँगी मैं, ठीक है। और अब अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ मैं सेम वही हाइलाइटर, लगाऊंगी पहले नोज़ पर लगाऊंगी एंड फिर लगाऊंगी मैं अपने चिक्स पर लगाऊंगी, ठीक है, ऐसे ही हल्का ज़्यादा भी नहीं, बस थोड़ा शाइन करे फेस। मैं आपको अपना फेस थोड़ा पास से दिखाती हूँ, देखो कितना शाइन कर रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना। तो अब क्या रह गया मेरे फेस पर, रह गया आईलाइनर, उसके बिना मेकअप थोड़ा अधूरा सा लगता है। तो पहले मैं आईलाइनर लगा ले रही हूँ, फिर मेरा हो जाएगा मेकअप कम्प्लीट। गाइस ये आईलाइनर मेरा पता नहीं कहाँ चला गया था, इतनी देर में मिला है, मैंने बहुत ज़्यादा देखा इधर उधर जाकर, तो सच में बहुत देर में मिला है, बट खुदा का शुक्र है मिल तो गया, ना मुझे दोबारा नया लाना पड़ता है। और है मेरे पास वो मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, बट ये वाला मुझे ठीक लगता है, तो इसको मैं लगा लूँगी, ठीक है। और मैं ना विंग आईलाइनर नहीं क्रिएट करूँगी, बस आज सिंपल सा लगाने वाली हूँ। तो मैं मिरर में देखकर लगाऊँ या ऐसे ही लगा लूँ, पहले चलो मैं मिरर में देखकर लगाती हूँ, ठीक है।
बिना बोले लगाऊंगी इसको मैं। तो गाइस आईलाइनर लग चुका है, मैंने ज्यादा मोटा आईलाइनर नहीं लगाया, ठीक ही लगाया, तो एकदम परफेक्ट आईलाइनर लगा है और एकदम लुक अच्छा लग रहा है। आईलाइनर लगने के बाद एकदम परफेक्ट लग रहा है। तो अभी मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ अपना, एक सेकंड रुको मैं आई। माय क्यूटी फ्रेंड, ये है मेरा फाइनल लुक। तो मैंने एक टॉपर लगा लिया है एंड एक मफलर ले लिया है। और अगर आपको ये मेकअप अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मुझे आप कमेंट करके बताओ कि आपको सर्दी कैसी लगती है। मुझे तो सर्दी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, सच में बहुत बेकार लगती है। तो अब मैं जाऊंगी मार्केट, इतनी सर्दी में जाना पड़ेगा। तो आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अदरवाइज नहीं करना। और हाँ एक बात और, इतनी सर्दी हो रही है तो थोड़ा सा अपना ख्याल भी रखना आप, क्योंकि बहुत सर्दी हो रही है और दिल्ली में तो सच में बहुत ही ज़्यादा हो रही है। चलो हम वीडियो को ख़त्म करते हैं, बाय बाय।